Hi everyone, in this particular video, we will understand the concept of MODI method. MODI stands for Modified Distribution Method, MO for Modified and DI for Distribution. इस method को popularly UV method भी कहते हैं और इस method को हम use करते हैं optimal solution find करने के लिए और किसका optimal solution to a transportation problem. So let us start. So MODI method को apply करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपके पास transportation problem का एक basic feasible solution होना चाहिए. अब वो basic feasible solution आप north west corner method से निकाल सकते हो या least cost method से निकाल सकते हो या VAM method से निकाल सकते हो. ये तीनों methods already discuss किए हुए हैं, आप check कर सकते हो. So basic feasible solution, So, यहाँ ये जो मैंने टेबल बनाया है इसमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है. तो सबसे पहले आप अगर आपको सॉल्यूशन अगर तो आप सॉल्यूशन इन मेथड से निकालोगे तो वो पक्का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही आएगा. लेकिन अगर आपको ऐसे सपोज एलोकेशन एलोकेशन दे दी और आपको बोला कि आप प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशन आपको गिवन है क्या ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं. सो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा जब ये इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. पहली कंडीशन क्या है कि ये सप्लाई और डिमांड कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करे. दूसरा, इसमें नंबर ऑफ एलोकेशंस एग्जैक्टली एम प्लस एन माइनस वन होने चाहिए, वेयर एम इज नंबर ऑफ रोज एंड एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स. और तीसरी है कि इसमें कोई भी लूप नहीं फॉर्म होना चाहिए. यहाँ पे आप सबसे पहले सप्लाई और डिमांड कॉन्स्टेंट्स को चेक करेंगे. सो फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई कॉन्स्टेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एलोकेशंस है 20 एंड 20. इन एलोकेशंस का आप सम करो तो आएगा 40 और यहाँ पे सप्लाई भी कितनी है 40. सो फर्स्ट सप्लाई कॉन्स्टेंट इज सेटिस्फाइड. सेकेंड रो में अगर आप देखो तो 50 एंड 10. सो वॉट इज द सम, 50 प्लस 10 60 which is equal to the available supply. Similarly, third row में 10 plus 40, which is equal to the available supply. और demand constraint देखने के लिए आप हर एक कॉलम में जो भी एलोकेशन है उनको ऐड करिए और चेक करिए कि वो डिमांड के इक्वल है नहीं. जैसे पहले कॉलम में टोटल एलोकेशन है 20 एंड इट इज इक्वल टू द डिमांड. सेकेंड कॉलम में एलोकेशन है 20 एंड 10, सम इज 30 विच इज इक्वल टू द डिमांड. थर्ड कॉलम में 50 विच इज इक्वल टू द डिमांड एंड फोर्थ कॉलम में 10 प्लस 40 विच इज 50 एंड इट इज इक्वल टू द डिमांड. इसका मतलब सप्लाई और डिमांड कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं. अब सेकंड स्टेप में आपने क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस होने चाहिए एग्जैक्टली एम प्लस एन माइनस वन. अब यहाँ पे एम की वैल्यू है 3 बिकॉज देर आर 3 रोज. एन की वैल्यू है 4 बिकॉज देर आर 4 कॉलम. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन माइनस वन, इट इज 6. और अगर आप नंबर ऑफ एलोकेशन देखें तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 एलोकेशंस हैं. इसका मतलब दिस इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन. सो सेकंड कंडीशन इज आल्सो वेरीफाइड. तीसरा, जहाँ जहाँ एलोकेशन है वो कोई लूप ना बनाए. अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो एलोकेशंस हैं इनमें से कोई भी लूप नहीं बनाएगी. इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है of this particular transportation problem and we can proceed with the MODI method and we can move on to step number 2. So moving on to step number 2, we will calculate UIs and VIs. So pehle row ke corresponding U1, dusre row ke corresponding U2 एंड तीसरे रो के कॉरेस्पॉन्डिंग U3. फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग V1, सेकेंड कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग V2, थर्ड कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग V3 और फोर्थ कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग V4. सो सबसे पहले हम इनिशियली लेंगे U1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टेप नंबर 2. उसके बाद आपने इस एलो यहाँ पे आपने 0 कर दिया. इसकी हेल्प से आप अब सारे यू आईज और वी आईज की वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन UI प्लस VJ
इज इक्वल टू सी आई जे, और यहाँ पे सी आई जे क्या है, कॉस्ट ऑफ आईथ रो एंड जेथ कॉलम। जैसे आप यहाँ पे यू वन जीरो है और यहाँ पे वी वन है, राइट? सो वी कैन राइट द फर्स्ट इक्वेशन, यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू फोर। यू वन की वैल्यू जीरो है, मतलब वी वन की वैल्यू आ जाएगी फोर। सो हेयर वैल्यू इज फोर। अब वी टू की निकालनी है, सो वी कैन राइट यू वन प्लस वी टू इट इज इक्वल टू सिक्स। यू वन की वैल्यू जीरो है तो वी टू की वैल्यू आ जाएगी सिक्स। अब ये उन्हीं सेल में से आ सकते हैं जहाँ पे ये इस कॉस्ट वाले सेल पे एलोकेशन हुई हुई है। जैसे फर्स्ट इस पे एलोकेशन थी, इस पे एलोकेशन थी, तो हमने वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे हम वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से नहीं निकाल सकते। सो वी टू की वैल्यू आ गई सिक्स। सो अब हम इन वी वन और वी टू को यूज करके बाकी भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यू थ्री प्लस वी टू इज इक्वल टू सेवन, विच इज द कॉस्ट। सो वी टू की वैल्यू सिक्स है, सो यू थ्री की वैल्यू आ जाएगी वन। अब यू थ्री की वैल्यू वन आ गई तो यहाँ एलोकेशन है, तो हम वी फोर की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द इक्वेशन यू थ्री प्लस वी फोर इज इक्वल टू एट। अब यू थ्री की वैल्यू वन है तो वी फोर की आ जाएगी सेवन। और क्या रह गए, v3 एंड u2। यू कैन चेक हियर एलोकेशन एंड यू कैन राइट द इक्वेशन u2 प्लस v4 इज इक्वल टू 7। v4 क्योंकि 7 है तो u2 आ जाएगा 0। इन दिस एलोकेशन यू कैन राइट u2 प्लस v3 इट इज इक्वल टू 6। u2 0 है सो v3 की वैल्यू आ जाएगी 6। सो दीज आर द uis एंड vj's दैट वी हैव कैलकुलेटेड। Now we will move on to step number 3. Now moving on to step number 3. Step number 3 में हमें क्या करना है कि जो भी non allocated cells हैं, जैसे कि ये हो गया, ये cell हो गया, जहाँ पे allocation नहीं है, non allocated cells के लिए हमें calculate करना है Cij minus Ui plus Vj. For example, अगर मैं इस सेल के लिए निकालो ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगी 8 माइनस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो u1 की वैल्यू है प्लस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो v की वैल्यू है, दैट इज 6। दिस वैल्यू इज 2, राइट? एंड वी राइट 2 ओवर हेयर। सिमिलरली अब इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे, वी विल गेट 8 माइनस 0 प्लस 7 विच इज 1। सिमिलरली यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस 0 प्लस 4 विच इज 2। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फॉर हेयर विच इज 8 माइनस 0 प्लस 6 विच इज 2। हेयर वी विल कैलकुलेट, लेट अस राइट इन ब्रैकेट्स, ये हमने निकाली है इसको हम, और वी विल राइट इट इन डिफरेंट कलर। अब हम इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे, वी विल गेट 0 एंड हियर वी विल गेट 6 माइनस 7 माइनस 1। नाउ यू कैन सी दिस वैल्यू इज नेगेटिव, इज लेस देन 0 फॉर द सेल ए 3 3। इस सेल के लिए वैल्यू नेगेटिव है। सो इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आती है जिस सेल के लिए, ये ब्रैकेट वाली मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, वहाँ पे हम एलोकेशन कर देते हैं थीटा। यहाँ पे तो एक ही नेगेटिव वैल्यू है, बाकी सारे पॉजिटिव है, सो इस पे हम एलोकेशन कर देंगे थीटा एंड वी विल मूव ऑन टू स्टेप नंबर 4। नाउ सपोज वी एलोकेट थीटा वैल्यू ओवर हियर। अब नंबर ऑफ एलोकेशंस थीटा एलोकेट करने के बाद हो गई है टोटल 7, विच इज ग्रेटर देन एम प्लस एन माइनस 1। दिस गारंटीज दैट देयर एग्जिस्ट अ लूप। तो अब हम लूप को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि थीटा पे स्टार्ट हो और थीटा पे ही एंड हो। थीटा से स्टार्ट हो कि हम राइट जाएंगे, ऊपर जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे और नीचे। तो यहाँ पे थीटा लोकेशन दी है तो अल्टरनेटली हम प्लस और माइनस ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे एलोकेशन जाएगी 40 माइनस थीटा।
यहाँ पे हो जाएगी 10 प्लस थीटा, और यहाँ पे 50 माइनस थीटा। सो अब हमें चेक करना है कि हम थीटा को ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकते हैं। अब देखिए थीटा को हमें इस तरीके से रखना है कि ये 40 माइनस थीटा और 50 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे। मीन्स 40 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड 50 माइनस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 40। सो थीटा को हम ज्यादा से ज्यादा 40 रख सकते हैं, क्योंकि हम 40 से ज्यादा रखेंगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सो थीटा को अब हम 40 रख देते हैं। थीटा को 40 रखेंगे, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे था 40 माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस थीटा, 40 माइनस 40 जीरो, यहाँ पे 40 प्लस थीटा वी विल गेट 10 प्लस 40 इज 50 एंड हेयर वी विल गेट 50 माइनस 40 10। सो ये वाला कॉलम क्योंकि जीरो है सही खाली हो जाएगा एंड हेयर वी विल गेट 10। सो दिस इज द न्यू टेबल आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन। अब सेकेंड आइटरेशन में सेम ही काम करना है आपको, फिर से UI और VGS की वैल्यू निकालेंगे और हर एक नॉन एलोकेटेड सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे। सो लेट अस सी।